मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरिम हैं। मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरिम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं नारा हक। पूरी दुनिया में पश्तून कल्चर डे मनाया गया, तो इस वक्त मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। वो जोश नहीं था, वो जज्बा नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। क्यों? ये वो दिन है जहाँ पे हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ है। अफ़ग़ानिस्तान जो मस्कन कहा जाता है पश्तूनों का, आज कौन लोग वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं? वो लोग हैं जो शायद जिनके नज़दीक कल्चर मनाना शायद हलाल भी ना हो, लेकिन ये सिर्फ बात वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँची। वो कहता है ना कि हादसा एकदम नहीं होता, तो हादसा ऐसा नहीं हुआ है कि आज हम इस हालात तक पहुँचे हैं। आज न पता चल रहा है कातिल भी मुझसे है, मकतूल भी मुझ में से है। आज अपने लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हमने जितना पैसा बच्चे की तालीम पे ख़र्च करना है, उतनी ही अहमियत बेटी की को भी देनी है, उस पर भी उतना ख़र्चा करना है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, रिवायत पसंद हूँ, तो ये याद रखना चाहिए, अगर फ़ीमेल गलत करती है आप उसे कुछ कहने के रवादार हो, तो अगर आप गलत करोगे तो फ़ीमेल को भी उतना हक होना चाहिए। आज का दिन हमें यह भी बताता है कि हमने उस गरीब का भी सोचना है जो दरपदर हो गया है, जिसकी इज्जत लूट गई है, अज़मत लूट गई है, जागीर चली गई है, घर चले गए, बेयारो मददगार फिर रहा है। आज देखिए पश्तून कहाँ पर है, कहीं मोची बना हुआ है, कहीं कचरा उठा रहा है। अगर बात ड्रामों तक आ जाए तो वहाँ पर भी या तो चौकीदार है या फिर उसको एक मज़ाहिया, उसका कैरेक्टर एक मज़ाहिया बनाया गया है। ये ऐसा नहीं है, ये पूरे एक तरीके से ड्रामाटाइज किया गया है। मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं, मैं एक एमफिल स्कॉलर हूं, एक अदना सा जर्नलिस्ट हूं। जब हम बड़े शहरों में पढ़े देखा, तो वो ये नहीं देखते थे कि यार ये एजुकेटेड पश्तून है या ये है वो है, वो पश्तून को एक नज़र से देखते थे। तो हमें सब कुछ समझ आता था, लेकिन क्या करते, जब नैरेटिव ही ऐसा बिल्ड किया गया हो, किताबों में आपको ऐसा पेश किया गया हो, ड्रामों में आपको ऐसा पेश किया गया हो, स्टेट का रवैया आपके साथ ऐसा हो, तो फिर वहाँ क्या है? आज एक साइड पे तालिबान है, दूसरी साइड पे पीटीएम है, 50 कॉम्प्रेस जमातें बनी हुई हैं। आज पश्तून तकसीम दर तकसीम है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना मर रहा है, इतना कट रहा है, दरपदर हो रहा है। मैं देखता हूँ कि किसी कौम के 5 लोग भी मर जाते हैं तो पूरी दुनिया चीखती है, हमारी तो नस्लें बर्बाद हो गई, पश्तून तो कहीं का नहीं रहा। क्या नहीं हुआ है, कहाँ है वो गैरत? हम कहते तो हैं, हमें असलियत देखनी है। क्या रिफ्यूजी के साथ कैसे सूरत हाल होता है, तंगदस्ती में क्या चीज़ नहीं लुटती, गुर्बत के नाम पे मरे कटे कट रहे हैं मुसलसल, अभी किसी को यकीन है? हम लोग इतने वो हो चुके हैं कि चंद मफादी उसके चक्कर में ये नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। वो कौम का जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, जो कौम का एक तासुर दिया जाता है, वो नहीं रहा। आज आपको आपका कज़न किसी के इशारे पर मार देगा, कब्ज़ा कर देगा, आपके सामने रुकावट बन जाएगा, तो देखना पड़ेगा गलती हमसे कहाँ हो रही है। मैं ये नहीं कहता कोई काम बड़ा या छोटा है, हर काम की वो है, लेकिन क्यों, क्या इस मुल्क में यही रह गए हैं? आप देखिए वज़ीरिस्तान वाले कब से IDPs बने हुए हैं, अफ़ग़ानिस्तान की क्या सूरत हाल है। बड़े शहरों में अगर कोई है तो वहाँ पश्तूनों के लिए कितने कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उसको कोई जॉब मिलेगी या अच्छी वो होगी, दरपदर है हर जगह पर। कुछ बेचारे बाहर दरपदर हैं, कुछ ये हैं, आप कहाँ हैं?
अफ़गानिस्तान जो अब डिफेक्टो सूबा बन चुका है, हम जितना भी कहें, वो जो हम दूसरों की मिसालें देते थे, गलती हम 5000 साल, चाहे आपकी साल तारीख 5000 साल की है, चाहे 5 करोड़ साल की है, आज की हकीकत मुख्तलिफ है। कि आज आप ग़ुलाम हो, ताने आप दूसरी कौमों को देते थे ना, आज आपके साथ ये हो चुका है। दूसरों को कहते थे भाग गए जाते हैं ना, आज क्या हुआ अफ़गानिस्तान, उनकी फोर्सेस हम देखते थे बिना झंडे उठाए इधर उधर, तो वो तो टिक भी नहीं पाए हैं। आज अगर पश्तून को अपना लीडर या यहाँ का जो समझता है अफ़गानिस्तान से कुछ उम्मीदें थी, वो अगर अमरुल्लाह साले को समझ रहा है अपना लीडर, तो फिर क्या ही बात है। तो खुदारा अपनी हकीकत समझें, ये बड़ी बड़ी बातें ना करें, जितनी ताकत हो उसके मुताबिक आवाज़ उठाएं और उसका वो करें। अगर यूँ बस ये झूठ ये इस पे रहोगे तो नहीं, आज आइडेंटिटी क्राइसिस में है पश्तून। समझो, इत्तेहाद करो, सिविलाइज हो जाओ, मवाके सबको दो, फ़र्क ना रखो, किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बनो। पता चले दुनिया में आज हमें लोग किस अंदाज में देखते हैं, ये हमें सोचना होगा, ये समझना होगा। और याद रखिए, कोई नहीं आता संभालने के लिए, खुद संभालना पड़ता है। अच्छे लीडर चुनो, अच्छे लीडर बनो, अच्छे लीडर बनाओ। इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो। आज मैं देख रहा था, अब ये हुआ है, क्या कह सकते हैं, अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल के बाद तो तमाम जो वो हैं समझ गए हैं कि क्या पोजीशन है, कहाँ तक हम हैं, तो मज़ीद सिचुएशन इससे क्या बुरी होगी। अभी भी वक्त है, चीज़ों को रैशनल अंदाज में देखें। इस गलत फहमी, ये 5000 तारीख ये नहीं, आज वो 30 साल तारीख वाला आप पे हैवी है, उसको उसने ना मनवाया है आपसे, क्या रह गया है। ख़ुद को जदीद तर्ज पर ढालो, खुद को मौके के मुताबिक ज़माने के मुताबिक ढालोगे तो कामयाब होगे हर हवाले से, वरना फिर बहुत मुश्किल है। बस फलां बाबा ये करते रहेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी वो कटती रहेगी। ये इस चीज़ से वो करो कि इस सल्तनतों का कब्रिस्तान रहा ये वो, नहीं, आज वो सल्तनतों का महत तहत हो चुका है। और फिर पश्तून देखो कहीं भी हो आज दर पदर है। तो इस दिन ये सोचने समझने और इसको गौर करने पर आज का दिन सबसे अहम है, और इस पे गौर जितना करें, बड़ों से सीखें कहाँ गलतियाँ हुई हैं, नौजवान नस्ल मज़ीद मायूस ना करें और मुत्तहिद रहें। मुत्तहिद रहोगे तो ठीक है, वरना तो इस रियासत समेत अफ़गानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, इसमें पश्तून ईंधन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ऐसा देखो कि मरने वाला भी पश्तून है, मारने वाला भी पश्तून है, फ़ायदे और उठा के जा रहे हैं। तो खुदारा जहाँ भी आप हैं, आप सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपनी कौम की फ़िक्र करें। याद रखें, आपकी पहचान आपकी कौम से है। खुदा किसी को किसी पे फजीलत नहीं है, लेकिन आप पैदा हो जाते हैं तो फिर आपकी पहचान वही होती है, वो अच्छी है या बुरी है, आप कम से कम कुछ अच्छा उसमें ऐड करें, एक ताकि दुनिया कल आपको अच्छा वो करे। ड्रामों में, फिल्मों में अपना ऐसा करेक्टर बनाए, ऐसी फिल्में बनाए कि दुनिया याद रखे। अगर हर चीज़ में पीछे रहोगे, ये चीज़ ममानियत वो चीज़ ममानियत, तो दुनिया आपके ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग प्रोपगंडा करेगी और वो कामयाब होगी, और फिर यूँ सेकंड क्लास आपको तसव्वुर किया जाएगा और आपके साथ बिहेव किया जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा और यही ख्वाहिश और दुआ भी है कि हर कौम का एहतराम करेंगे, रियलिटी से हम आगाह होंगे और अपने वादों और दावों पर गौर करेंगे और ताकत के मुताबिक एक्ट करेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।